करते रहे। फिर मुझे वर्कशॉप जाना था, प्रेस क्लब जाना था वर्कशॉप के लिए 4 बजे, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली। वो हमेशा वो चाहते थे कि आप बैठ रहे हैं और हम आपस में बातचीत करते रहें, तो बस उनके लिए दुआ दुआ ही कर सकते हैं। हर एक ने जाना है, अल्लाह ताला उनकी आखिरत। लतीफ़ साहब इंतहाई शफीक और इंतहाई बेहतरीन इंसान थे। वो अदबा और शोरा के लिए एक घने दरख्त थे, जिनकी छाँव में मतलाशी इल्म लोग आकर बैठते थे। और जो उन्होंने किताबों की दुकान खोल रखी थी, वो किताबों की दुकान सिर्फ नहीं थी, वो एक लाइब्रेरी थी। वहाँ पर आकर लोग मुफ्त किताबें भी ले जाते थे, और वो जो खिदमत करते थे पढ़ने वालों को, तो वहाँ पे वो उनको चाय भी पिलाते थे, किताबें भी देते थे, समोसे भी खिलाते थे, खिदमत भी करते थे। तो वो वाकई इल्म की जो खिदमत कर रहे थे, वो मैंने किसी में नहीं देखी। लतीफ़ साहब इसमें बामुसम्मा थे, जिस तरह नाम लतीफ़ था वैसे ही लतीफ़ इंसान थे। और सबसे बड़ी बात जो मिलनसार इखलाक तो थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने तरवीज कुतुब के लिए, जो ना कुतुब बीनी के लिए जो ज़िंदगी वक्फ की हुई थी, अपने ही बुक शॉप को उन्होंने अदबा साफियों का और लिखने वालों का, लिखारियों का एक डेरा बनाया हुआ था। और जो अक्सर औकात जो है ना लोगों को किताबें गिफ्ट करते थे, ताकि जो है ना वो किताबों कुतुब बीनी का रुझान ज़्यादा बढ़े। तो अल्लाह ताला दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके खानवादे को सबरे जमीन के अता फरमाए। लतीफ़ साहब तो यारों के यार थे। हमारा तो कई सालों से इनका जो बुक सेंटर था, बुक शॉप थी, वो हमारा अड्डा था। बिठाते भी थे, चाय भी पिलाते थे। वो शायर अदीब खुद तो नहीं थे, लेकिन शायर और अदीबों से ज़्यादा पॉपुलर थे। एक इंतहाई नफीस इंसान, प्यारे इंसान, और अल्लाह उनकी। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, मिलनसार थे, खिदमत खल्क में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा, अच्छे आदमी थे। तो अपनी ज़िंदगी जितनी भी उन्होंने गुजारी है बहुत अच्छे तरीके से गुजारी है, दोस्त भी उससे राज़ी हैं। अब ये जनाजे की गैदरिंग जो है वो भी बता रही है कि वो लोगों में कितने मकबूल थे, कितने लोग चाहते थे।